गुड मॉर्निंग डियरेस्ट स्टूडेंट्स, आज हम व्रत के कंस्ट्रक्शंस की बात करेंगे। हमने चार प्रश्नों की बात पहले ही कर ली है, जिसमें कि आपको एक रेखा के दो बराबर भाग करना यानी कि लंब अर्धक खींचना बताया जा चुका है। वृत्त की बाह्य बिंदु से आप किस प्रकार से स्पर्श रेखाओं की रचना करते हैं यह समझाया गया है। इसी क्रम में थोड़ा सा इसका विस्तार करके आपको अगले प्रश्न नंबर 5 की ओर हम लिए चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 में आपसे कहा गया है कि एक भी एक रेखाखंड खींचिए 8 सेंटीमीटर लंबाई का। तो स्टेप नंबर 1 में आप 8 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड खींचेंगे ए बी, जिसकी लंबाई है 8 सेंटीमीटर। आप लोगों ने भी यह स्टेप कर लिया होगा। स्टेप नंबर 2 में आपसे कहा जा रहा है कि जो पॉइंट ए है उस पर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाएं और बिंदु बी को केंद्र मान करके 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाएं। तो इसके लिए आप बिंदु ए पर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचेंगे, बिंदु ए को केंद्र मानकर प्रकार की नोक बिंदु ए पर रखेंगे, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाएंगे और बिंदु बी पर आप 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाएंगे, ये 4 सेंटीमीटर का और ये 3 सेंटीमीटर का। अब आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में, बिंदु ए जो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बना है उसके लिए बाह्य बिंदु है बिंदु बी। बिंदु बी से इस वृत्त में 2 स्पर्श रेखाएं खींची जानी है और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लिए बिंदु ए बाह्य बिंदु है, ए बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जानी है। तो इस तरह से आप जानते हैं कि आपको इस रेखाखंड के क्या करने पड़ेंगे, 2 बराबर भाग करने पड़ेंगे, लंब समद्विभाजक खींचना होगा। इसके लिए आधे से अधिक दूरी का चाप लेंगे आप बिंदु ए से, ऊपर और नीचे लगाएंगे, और उतनी ही दूरी का चाप बिंदु बी से लगाएंगे। आप इसका एक की रेखा खींचेंगे एक्स वाई, जो दिए हुए रेखाखंड को बिंदु ओ पर काटती है और ए ओ बराबर ओ बी, ओ वृत्त का केंद्र है। चाहे आप ओ ए त्रिज्या का वृत्त बनाएं चाहे ओ बी त्रिज्या का बनाएं, और जो इसमें पहले से बने हुए हैं वो वृत्त हम बना लेते हैं। 4 सेंटीमीटर का वृत्त बना हुआ है और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बना है, बिंदु ओ को केंद्र मान करके आप एक वृत्त इसमें खींच लेंगे। अब हम देखेंगे कि यह दिए हुए वृत्तों को क्रमशः हम पी क्यू आर और एस बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। तो पहले वृत्त के लिए जो केंद्र जिसका ए है उसके लिए बाह्य बिंदु है बी, बाह्य बिंदु बी से स्पर्श रेखा खींचेंगे बी पी और बी क्यू। इन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई आप पटरी से नाप सकते हैं, नाप करके आप इसको नोट कर लेंगे। और इसी प्रकार दूसरा वृत्त जो बना हुआ है जिसकी त्रिज्या 3 है इसके लिए बाह्य बिंदु है ए, और जो हमने एक वृत्त खींचा था जिसका केंद्र ओ था वहां आर पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ए से आर को मिलाएंगे और इसी प्रकार ए से हम एस को भी मिलाएंगे। यह दोनों स्पर्श रेखाएं भी आपस में बराबर आनी चाहिए, इनको आप नाप करके देख लेंगे और नोट कर लेंगे अपनी अपनी कॉपी में। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 5 के सभी चरण पूरे। पॉइंट 2 एक्सरसाइज के प्रश्न नंबर 6 पर हम डिस्कशन करेंगे। इसके लिए आप अपनी बुक्स को भी खोल लें जिससे कि आपको प्रश्न स्पष्ट दिखाई दे। प्रश्न लिखा हुआ है
माना एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें भुजा एबी बराबर 6 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 8 सेंटीमीटर, कोण बी 90 डिग्री दिया हुआ है। पहले एक त्रिभुज की रचना करनी है, फिर उस त्रिभुज में एसी भुजा पर बीडी लंब है ये खींचना है, और बीसीडी से होकर जाने वाले वृत्त की रचना करनी है, फिर ए बिंदु पर स्पर्श रेखा की रचना करनी। इतने भागों में प्रश्न है। तो सबसे पहले हम स्टेप्स जब स्टार्ट करेंगे, स्टेप नंबर 1 में हम त्रिभुज की रचना करेंगे। त्रिभुज की भुजा बीसीडी है 8 सेंटीमीटर, हमने बीसी 8 सेंटीमीटर की रेखा खींची, बिंदु बी पर 90 डिग्री का कोण बनाया, और इसमें 6 सेंटीमीटर का चाप काट दिया, ये बिंदु ए आ गया, ए से सी को मिलाया। सबसे पहले हमने एक त्रिभुज की रचना की, और अब हम स्टेप नंबर 2 की ओर जाएंगे जो बड़ा महत्वपूर्ण स्टेप है। स्टेप नंबर 2 में ये कहता है कि बिंदु बी से एसी भुजा पर एक लंब खींचा गया है, डी बिंदु हमें ज्ञात करना है। उस डी बिंदु को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, बीसी जो भुजा है 8 सेंटीमीटर, हम इसका लंब अर्धक खींचेंगे। बीसी भुजा का लंब अर्धक खींचने के लिए हमें बिंदु बी से आधे से अधिक दूरी का चाप ऊपर और नीचे, वही चाप बिंदु सी से दोहरा रहे हैं। लंब अर्धक आप कई बार खींच चुके हैं तो कोई इसमें आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। ये लंब अर्धक एक्स वाई जो बीसी रेखा के ओ बिंदु पर मिलता है। अब हम स्टेप नंबर 3 में जब हम लंब अर्धक खींच लेंगे, तो स्टेप नंबर 3 में हम बिंदु ई ओ को केंद्र मानते हुए बिंदु ओ को केंद्र मानते हुए ओडी अथवा ओसी त्रिज्या का ओडी अथवा ओसी त्रिज्या का खींचेंगे। ये वृत्त एसी भुजा के डी बिंदु पे मिलेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं चित्र में आपको स्पष्ट है बीसी जो है यह वृत्त का व्यास है, और डी बिंदु जो है वृत्त की परिधि पर स्थित है, तो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। बी से हमने डी को मिलाया तो यह हमें एसी भुजा पर हमने लंब बिंदु बी से खींच दिया बी। अब हमें जो कार्य करना है वह है स्टेप नंबर 4 में। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 4 की ओर। स्टेप नंबर 3 के चरण इसमें पहले ही दिखा दिए गए हैं। स्टेप नंबर 4 में जो केंद्र है हमारा वृत्त का वो ओ केंद्र है, और हमें बाह्य बिंदु ए पर स्पष्ट रेखाएं खींचनी है। तो केंद्र से बिंदु ए को मिलाया, अभी जो ओए रेखा है इसको हमने दो समान भागों में विभाजित किया। बिंदु ओ से आधे से अधिक, ओए से आधे से अधिक दूरी का चाप लेते हुए दोनों तरफ, इसी प्रकार बिंदु ए से भी आधे से अधिक दूरी का चाप लेते हुए, इस प्रकार से हमने लंब अर्धक खींचा। इसको वाई जेड नाम दे सकते हैं, और यह एओ के बिंदु एम पर जो है इसको प्रतिच्छेदित कर रहा है। तो एम ए बराबर ओ एम,
एम को केंद्र मान करके एम ए त्रिज्या का या एम ओ त्रिज्या का वृत्त खींचा, जो बिंदु ए बी और ओ को छूता हुआ जाएगा इस प्रकार। हम देखते हैं कि बिंदु ए से जो दिया हुआ वृत्त है उसके बिंदु बी पर एक जगह प्रतिच्छेद कर रहा है और एक दूसरे बिंदु ई पर यहां इसको प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ए से ई को मिलाया और ए से बी को मिलाया, ये हमारी जो है स्पर्श रेखाएं हैं। ए ई व ए बी दो स्पर्श रेखाएं हैं जिनकी लंबाइयां हम पटरी से नाप करके इसमें लिख सकते हैं। इस प्रकार हमारी यह रचना कंप्लीट हुई।